हेलो दोस्तों, आज आप लोग के लिए फिर से लेकर आया हूँ एक शैंडलियर। इसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ये क्रिस्टल शैंडलियर है, क्रिस्टल वाला शैंडलियर है। और ये जो आपको फ्रेम दिख रहा है, इसी पे वो सारे क्रिस्टल लगेंगे और इस पर इंस्टॉलेशन हैंग किया जाएगा ये शैंडलियर। ये जो छोटे छोटे होल दिख रहे हैं, इसी में सारे क्रिस्टल लगने हैं। और ये LED लाइट दिख रही होगी आपको, चार LED लाइट की। तो चलिए क्रिस्टल पहले सेटअप करते हैं क्या है। ये हमारा क्रिस्टल है, इसमें जो पत्ती लग रही है पुरानी वाली पत्ती लग रही है, तो नई पत्ती इसमें डालने हैं और उसके बाद फिर इसको सेटअप करना है। समझा क्या, ये सैंडलियर नया है। जहाँ से लिया था ना, तो पहले से सेटअप करके देता है कंपनी। बहुत सारी कंपनी सेटअप करके देती है, बहुत सारी नहीं भी देती है। तो ये पहले से लगा हुआ था, तो ये पत्ती थोड़ी पुरानी हो गई थी, तो नई पत्ती एडिशनल हमने अलग से लिया। फिर इसके बाद इसको सेट करते हैं, फिर लगाते हैं। चलते चलते भाई लोग, मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो भाई लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक एंड शेयर भी करें भाई लोग, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। टेक्निकल लाइन से जो भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ होगी हमसे, वो आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए, तो ये है हमारा क्रिस्टल, इसको सेटअप कर लेते हैं एक एक करके। उसके बाद कुछ नीचे भी सेट करके दिखाऊंगा आपको, और कुछ ऊपर शैंडलियर हैंग करने के बाद लगा के दिखाऊंगा। ऐसे ज़्यादातर तो मैं क्या कहता हूँ कि शैंडलियर हैंग करने के बाद एक ऊपर में ही लगाता हूँ सारा क्रिस्टल, पर आपको दिखाने के लिए मैं नीचे भी लगाऊंगा, ठीक है, फ्रेम में। और फिर फ्रेम भी टाइट करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद शैंडलियर फिक्स करके दिखाऊंगा। ये हमारा फ्रेम है, देखिए ये फ्रेम है, इसमें क्रिस्टल लगाते हैं। ये जो छोटा साइज दिख रहा है, ये नीचे साइड रहेगा। ये जो बड़ा दिख रहा है, तीन लाइन दिख रही है, छोटा मीडियम और एक सबसे बड़ा लार्ज। जो बड़ा है उसको ऊपर रखना है, जो छोटा है नीचे रहेगा। तो ऐसे लगाते हैं क्रिस्टल। लग रहा है, लगने के बाद तो भाई साहब, लगने के बाद तो और भी जबरदस्त दिखेगा ये। चलिए, इतना ही लगा के बाकी ऊपर शैंडलियर को मैंने हैंग कर दिया और कनेक्शन भी कर दिया है, ठीक है। ये वायर को कर देते हैं अंदर। शैंडलियर हैंग होने के बाद ऐसा दिखेगा आपको, और उसी के बीच में जो छोटा सा नट बोल्ट दिख रहा था, उसी बीच को हैंग करेंगे। दिख रहा है ये नट है, इसके सहारे से इसको टाइट करेंगे। ये चार डंडी दिख रही होगी आपको, दिखाता हूँ मैं। पहला इसको टाइट कर देंगे, एक दो तीन सही चार। ये ऐसे टाइट करने के बाद इस पर सारा क्रिस्टल लगाएंगे। अभी एक एक करके लगाते हैं, चलिए ऊपर वो लगा कर दिखाते हैं आपको। ये भी लगा लीजिए सारा, जो नीचे लगाया था वही क्रिस्टल है, बाकी ऊपर एक एक करके लगाते हैं।
की जरूरत है। असल में क्या है, इस तरीके की जितने भी सैंडलियर होती है, जितने भी सैंडलियर आते हैं, ज़्यादातर चाइनीज होते हैं। और भाई लोग, आपको तो पता ही है, चाइना की कोई गारंटी नहीं। चल गया तो चांद तक, ना चला तो शाम तक भी। तो इसलिए सोचा यार, पूरा मेहनत करने से पहले एक बार थोड़ा सा चेक कर ही लो। सावधानी से लगानी पड़ती है यार, एक क्रिस्टल अगर छूट के नीचे गिर गया समझो मैं ही तोड़ दिया उसको फिक्स। इसलिए बड़े प्यार प्यार से लगा रहा हूँ भाई। और सॉरी भाई, माफी चाहता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, 8 मिनट का हो जाएगा समथिंग। तुम्हें दिखाना भी तो है भाई, जब मैं सारा शॉर्टकट नहीं बता दूंगा तो फिर आप लोग देखोगे कैसा क्रिस्टल छूट तो नहीं रहा है। से देख लेंगे कहीं से कोई छूटना नहीं चाहिए था। क्योंकि कंपनी के जो क्रिस्टल देती है, शायद ही किसी किसी में एक आग एक्स्ट्रा पीस डाल देता, नहीं तो नहीं डालता है। तो चलिए भाई, सब हमारा सैंडलियर हो गया रेडी। ये देखो जी, लगने के बाद कैसा लग रहा है स्मार्ट, ये देखो बस। तो भाई लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक एंड शेयर भी करें, अपने दोस्तों तक ये वीडियो को पहुँचाएँ। और सब्सक्राइब करने का यार एक फ़ायदा ये भी है कि आने वाली सारी वीडियोस आपको